जी सर, लिखिए राजा राम मोहन राय। राजा टॉपिक सर, राम मोहन राय, राजा पॉइंट बना के लिखे, राजा राम मोहन राय को, राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को भारतीय जनक, भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। लिख लिए, देखो राजा राम मोहन राय का जन्म, राजा राम मोहन राय का जन्म बाईस मई 1772 ईस्वी को, 22 मई 1772 ईस्वी को हुगली जिले के राधा नगर नामक स्थान में हुआ था। हुगली जिले के राधा नगर नामक स्थान में हुआ था। लिख लिए, देखिए राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय कई भाषाओं के विद्वान थे। राजा राम मोहन राय कई भाषाओं के विद्वान थे। जैसे अंग्रेजी, ग्रीक, अरबी, क्या बोले सर? अंग्रेजी, अरबी, अंग्रेजी, अरबी, ग्रीक, फ्रेंच, जर्मन, फारसी, जर्मन, फारसी, संस्कृत, लैटिन आदि। यहाँ एगो भाषा सीख लेते तो लोग कहता है हम बहुत बड़का विद्वान है। अंग्रेजी, ग्रीक, फ्रेंच, जर्मन, फारसी, संस्कृत, लैटिन आदि भाषाओं के विद्वान थे। ठीक है, देखिए 1809 ईस्वी में, 1809 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने एकेश्वरवादियों को उपहार, एकेश्वरवादियों को उपहार, ब्रैकेट में लिखना, सुफात
मुआहिदीन मुआहिदीन तू फात उल मुआहिदीन नामक पुस्तक लिखी एकेश्वरवादियों को उपहार तुफात उल मुआहिदीन नामक पुस्तक लिखी लिख लिए राजा राम मोहन राय ने 1814 ईस्वी में आत्मीय सभा का गठन किया था। स्टेटमेंट एक बार फिर से बोलिएगा सर। आत्मीय सभा की स्थापना की थी, एक ही बात है सर। पूरा स्टेटमेंट एक बार बोलिए। स्टेटमेंट पूरा आप पूरे यही अभी जो बोले राजा राम मोहन राय ने 1814 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। आत्मीय सभा की स्थापना की थी। हो गया सर। 1816 ईस्वी में तथा 1816 ईस्वी में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी। वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी। लिख लिए जी। देखिए 1820 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने प्रिसेप्ट्स ऑफ जेसस नामक पुस्तक लिखी। प्रिसेप्ट्स ऑफ जेसस नामक पुस्तक लिखी। जीसस प्रिसेप्ट्स ऑफ जेसस नामक पुस्तक लिखी। देख लिए 1820 ईस्वी में प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक पुस्तक लिखी। परशुराम लिख रहा है। हाँ सर। और सिस्टर है कौन कर रहा था? झूठ बोल रहा है सर। पक्का? उसको बोलने के लिए बोलो। बोल रहा है बोल जल्दी बोलो मेरा भी सर्दी का भी डिमांड हो गया। लिख लिया सर। हाँ वेरी गुड। प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक पुस्तक लिखी। लिखो राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में
हिंदू कॉलेज की स्थापना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हिंदू कॉलेज की स्थापना डेविड हेयर के साथ मिलकर की थी। हिंदू कॉलेज की स्थापना डेविड हेयर के साथ मिलकर की थी, किसने? हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय। एक सर, एक हिंदू कॉलेज सर दिल्ली में भी है ना सर? नहीं, कलकत्ता में हिंदू कॉलेज, बनारस में है BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। कब स्थापना किया था सर? समय लिखने का जरूरत नहीं है, लेकिन समय है नहीं अवेलेबल। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने और डेविड हेयर ने। उसकी मदद से डेविड हेयर की मदद से। पहला पॉइंट लिखिए, डेविड हेयर। जी सर जी, हो गए। बोर्ड नहीं दिख रहा है क्या ठीक से? जी सर, एकदम क्लियर है। तो देखिए, राजा राम मोहन राय ने बंगला भाषा में, राजा राम मोहन राय ने बंगला भाषा में संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय ने बंगला भाषा में संवाद कौमुदी एवं फारसी भाषा में मिरासुल, एवं फारसी भाषा में मिरातुल अखबार का प्रकाशन किया था। मिरातुल ये दोनों का नाम है, दोनों अखबार है, संवाद कौमुदी बंगला भाषा का अखबार और मिरातुल फारसी भाषा का अखबार, मिरातुल अखबार का प्रकाशन किया था। न्यूज़पेपर संवाद कौमुदी बंगला भाषा में था और फारसी में मिरातुल। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनका, राजा राम मोहन राय ने, अगला पॉइंट, राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। बहुत बार क्वेश्चन पूछा, 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। लिखिए, राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने क्या स्थापना किया? ब्रह्म समाज के, इसको बोलो ठीक है ना, ये क्या लिखो, ब्रह्म समाज के, उसको बोलने दो प्रियांशी को।
धर्म समाज की स्थापना की थी सर? 20 अगस्त 1828 ईस्वी में। वेरी गुड। अगला पॉइंट लिखो। इनका एक्चुअल में नाम क्या था? राम मोहन राय। क्या नाम था इनका? राम मोहन राय। बाद में इनको उपाधि मिला था राजा का। तो ये राजा की उपाधि किसने दी थी? देखिए लिखो अगला पॉइंट। अकबर द्वितीय, मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने, ऐसे लिखो, मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। उसी दिन से इनका नाम में राजा लगाने लगा। किसने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी? अकबर द्वितीय ने। तथा अपने दूत के रूप में उन्हें ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था। विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था। मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी तथा अपने दूत के रूप में ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था। ठीक है, यानी ये इंग्लैंड गए थे दूत बन करके। अब गए तो यहां से वापस नहीं आए, यहीं पर ब्रिस्टल में, ब्रिस्टल एक जगह है इंग्लैंड में, यहीं पर ब्रिस्टल में, अगला पढ़ सर, हाँ यहीं पर ब्रिस्टल में, उसी में क्या अगला पढ़ता है, अगला पॉइंट, यहीं पर ब्रिस्टल में 27 सितंबर 1833 ईस्वी को राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई। लिख लिए 1833 में मृत्यु इनकी, राजा राम मोहन राय की। अब जब राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई, ठीक है, तो ये जो ब्रह्म समाज है इसका नेतृत्व कौन करने लगे? तो अगला पॉइंट लिखो। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद
ब्रह्म समाज जी की गतिविधियों का संचालन, क्या था? ब्रह्म समाज की गतिविधियों का संचालन, ब्रह्म समाज की गतिविधियों का संचालन रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने हाथों में लिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने हाथों में लिया। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। राजा राम मोहन राय ने जो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, उनकी जब 1833 में मृत्यु हो गई, ठीक है, और उसका संचालन किसने किया? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने, वहां पे नोट करके पॉइंट लिखना है, एक पॉइंट नोट करके लिखो। रविंद्रनाथ टैगोर ने तत्व बोधिनी सभा की स्थापना की थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने तत्व बोधिनी सभा की स्थापना की थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने तत्व बोधिनी सभा की स्थापना की थी। ठीक है, तत्व बोधिनी। देखो 1865 ईस्वी में ब्रह्म समाज दो भागों में विभाजित हो गया। 1865 ईस्वी में ब्रह्म समाज दो भागों में विभाजित हो गया। पहला आदि ब्रह्म समाज तथा दूसरा ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया नीचे लिखो। आदि ब्रह्म समाज एक नंबर देखो। आदि ब्रह्म समाज अगला पॉइंट बना के आदि ब्रह्म समाज का नेतृत्व देवेंद्रनाथ ने किया। देवेंद्रनाथ ने किया जबकि ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया का नेतृत्व केशव चंद्र सेन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार क्वेश्चन आया यहाँ से। ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया का नेतृत्व केशव चंद्र सेन ने किया।
जी सर हो गया। लिखो एक और पॉइंट यहां लिख लो, 1878 ईस्वी में, 1878 ईस्वी में ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया पुनः दो भागों में विभाजित हो गया। 1878 ईस्वी में ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया पुनः दो भागों में विभाजित हो गया। और साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना हुई, और साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। फिर से स्टेटमेंट पूरा पढ़िए। साधारण क्या बोला? फिर से स्टेटमेंट पूरा पढ़िए। 1878 ईस्वी में ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया का पुनः विभाजन हुआ। दो भागों में क्या? 1878 ईस्वी में ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया का पुनः विभाजन हुआ तथा साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। तो ये क्या था? धार्मिक परिवर्तन जो हो रहा है, सामाजिक परिवर्तन जो हो रहा है उसके लिए, ठीक है, सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण के लिए, सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण के लिए भारत में सबसे पहले किनको श्रेय दिया जाता है? राजा राममोहन राय को। तो भारत के सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण का पिता किसको कहा जाता है? राजा राम मोहन राय का पिता किसको कहा जाता है? राजा राम मोहन राय। भारतीय पुनर्जागरण के पिता। या जनक, भारतीय पुनर्जागरण के पिता या जनक किनको कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। राजा राम मोहन राय, नाम से क्या पता चल रहा है कि राजा उनका टाइटल है, राजा उनका टाइटल है, उपाधि है, उपाधि दिया गया बाद में। तो पहले राम मोहन राय के जन्म के बारे में जानिए कि राम मोहन राय का जो जन्म हुआ था हुगली में हुआ था। कहाँ जन्म हुआ था? हुगली। हुगली में कौन से जगह पर? नमक। हुगली में कहाँ? राधानगर। राधानगर कब? 22 मई 1772। जिसका जिसका छूट जाता है रिवीजन करते हैं तो लिख लेता है 22 मई 1772 को, ठीक है। कई भाषाओं के विद्वान थे राजा राम मोहन राय, अंग्रेजी, ग्रीक, फ्रेंच, जर्मनी, फारसी, संस्कृत, लैटिन, ठीक है, बहुत सारे भाषाओं के विद्वान थे। 1809 में उन्होंने एक किताब लिखा था, उस किताब का नाम था एकेश्वरवादियों को उपहार। बुक का क्या नाम था? एकेश्वरवादियों को उपहार, जिसको हम लोग उर्दू में नाम देते हैं तुफात उल मुवाहिदीन। तुफात उल मुवाहिदीन, ठीक है। कब लिखा था? 1809 ईस्वी में। 1809 ईस्वी में कौन सा बुक लिखा? एकेश्वरवादियों को उपहार। फिर 1814 में उन्होंने एक सभा की स्थापना की थी, उसका नाम है आत्मीय सभा। आत्मीय सभा की स्थापना कब की? बोलो। 1814 ईस्वी में क्या की? आत्मीय सभा की स्थापना की। पूछ दिया गया कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय। प्रियांशी बोलती नहीं है तुम?
परशुराम सब बोलेगा एक साथ जो पूछ रहे हैं उसको। एक अक्षरवादियों को उपहार एक पुस्तक है, किताब है, जिसको जिसका दूसरा नाम है तूफात उल मुआविदीन। इस किसने लिखा था तूफात उल मुआविदीन? किसने लिखा? राजा राम मोहन राय ने। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने 1816 में फिर क्या बनाया? वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। 1816 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। वेदांत सोसाइटी बोलो। वेदांत सोसाइटी की स्थापना की 1820 में। क्या किया? प्रीसेप्ट्स ऑफ ईसा मसीह थे, ईसा मसीह के ऊपर एक किताब लिखा था प्रिसेप्ट ऑफ जीसस। जीसस जीसस किसको बोलते हैं? ईसा मसीह को। प्रिसेप्ट ऑफ जीसस बोलो। प्रिसेप्ट ऑफ जीसस प्रियांशु। प्रिसेप्ट ऑफ जीसस प्रियांशी चाह रहा है। झाड़ू लगाने चल गई। ये क्या लिखे हैं? नहीं देख पा रहा सर। प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस। प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस ठीक है। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? राजा राम। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने की। अब पूछेगा संवाद कौमुदी। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि संवाद कौमुदी नामक जो अखबार था वह किस भाषा में था? संवाद कौमुदी नामक अखबार किस भाषा में था? फारसी में। संवाद कौमुदी नहीं बंगला में। बंगला में सर। तब संवाद कौमुदी अखबार किस भाषा में प्रकाशित किया गया था? बंगला में। बंगला में। आपकी भाषा में कौन था? मिरातुल। आपकी भाषा में मिरातुल। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय। तब तब 20 अगस्त 1828। यही क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। मान लो ब्रह्म स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय। तब 20 अगस्त 1828। उसके बाद क्या हुआ? मुगल का जो उस समय शासक था, मुगल सम्राट जो थे अकबर द्वितीय, तो ये बहुत भाषाओं के विद्वान थे, तो अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दी। राजा की उपाधि दी किसको? राम मोहन राय को। राजा की उपाधि राम मोहन राय को किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने। अकबर राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? अकबर द्वितीय ने। और राजा की उपाधि दी और अपना दूत बना करके कहाँ भेज दिया? इंग्लैंड। अपना दूत बनाकर कहाँ भेज दिया? इंग्लैंड। किसके दरबार में? किसके दरबार में? विलियम चतुर्थ के दरबार में। विलियम चतुर्थ के दरबार में। तो विलियम चतुर्थ के दरबार में गए तो सही, लेकिन वहां से वापस नहीं आए। ब्रिस्टल में उनकी मृत्यु हो गई। कहाँ मृत्यु हो गई? ब्रिस्टल नामक जगह में। ब्रिस्टल में उनकी मृत्यु हो गई। कब? 27 सितंबर 1833 को। तो अब जब इनकी मृत्यु हो गई तो इन्होंने तो ब्रह्म समाज की स्थापना की हुई थी, तो अब ये जो ब्रह्म समाज है उसका नेतृत्व किसने किया? राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व तो किसने किया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और इसी क्रम में उन्होंने एक सभा का स्थापना किया, तत्व बोधिनी सभा। किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने नया सभा बना दिया। उसका नाम क्या था?
तत्वबोधिनी सभा, तत्वबोधिनी सभा, बोलो प्रियांशी, तत्वबोधिनी सभा, तत्वबोधिनी सभा, रविन्द्र टैगोर ने स्थापना किसने की? रविन्द्रनाथ टैगोर ने की। फिर 1865 में ब्रह्म समाज का विभाजन हुआ। ब्रह्म समाज का विभाजन कब हुआ? 1865 में। कितने भाग में विभाजन हुआ? दो भाग, दो भाग, दो भाग में। क्या क्या नाम था? आदि ब्रह्म समाज और ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। आदि ब्रह्म समाज और ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। आदि ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया? देवेंद्रनाथ ने। देवेंद्रनाथ ने। आदि ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया? देवेंद्रनाथ। ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया का नेतृत्व किसने किया? केशव चंद्र सेन। पूरा नाम को केशव चंद्र सेन। हाँ सर, केशव चंद्र सेन। फिर 1878 ईस्वी में ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया का फिर से विभाजन हो गया और एक नया ब्रह्म समाज बना जिसका नाम दिया साधारण ब्रह्म समाज। तो साधारण ब्रह्म समाज का स्थापना कब हुआ? 1878 में। साधारण ब्रह्म नहीं है, बस इतना जानना की उसी ब्रह्म समाज का ही एक पार्ट था साधारण ब्रह्म समाज। ठीक है, समझ में आ गया? दोबारा तो बोल देना शुरू से अंत तक। राम मोहन राय को, राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता या जनक कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता या जनक कहा जाता है। राजा राम मोहन राय का जो जन्म है 22 मई 1772 को हुगली जिला के राधानगर नामक स्थान में हुआ। राजा राम मोहन राय अंग्रेजी, ग्रीक, फ्रेंच, जर्मन, फारसी, संस्कृत, लैटिन आदि भाषाओं के विद्वान थे। 1809 ईस्वी में उन्होंने एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम था एकेश्वरवादियों को उपहार। दूसरा उसको जो नाम है चेंज करके तूफात उल मुआहिदीन, तूफात उल मुआहिदीन उसी को कहा जाता है। 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना की, 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना की, 1816 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की, 1820 में प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक पुस्तक लिखा, 1820 में प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक पुस्तक लिखा। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की, बहुत इंपॉर्टेंट है, कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की किसके साथ मिलकर के? डेविड हेयर के साथ मिलकर के। बंगला भाषा में कौमुदी और फारसी भाषा में मीरातुन, ये दो अखबारों का प्रकाशन उन्होंने किया। बंगला भाषा में संवाद कौमुदी और फारसी भाषा में मीरातुन नामक दो अखबारों का प्रकाशन किया। 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना की, 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना की। मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने उन्हें राजा की उपाधि दी और अपना दूत बना करके ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ, ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा। वो वहां से वापस नहीं लौटे। 27 सितंबर 1833 को ब्रिस्टल में उनकी मृत्यु हो गई। उनके मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज का जो गतिविधि था उसका नेतृत्व कौन करने लगे? रविन्द्रनाथ टैगोर करने लगे। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसी क्रम में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कर दी, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। 1865 में ब्रह्म समाज का विभाजन दो भागों में हुआ, आदि ब्रह्म समाज और ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। आदि ब्रह्म समाज का नेतृत्व देवेंद्रनाथ के हाथों में था, ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया का नेतृत्व केशव चंद्र सेन कर रहे थे। 1878 में पुनः ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया का एक टुकड़ा हो गया और इसका नाम दिया साधारण ब्रह्म समाज। तो साधारण ब्रह्म समाज 1878 में ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया से टूट करके बना था। तो ये आज का क्लास रहा, कल फिर हम दूसरा पढ़ेंगे। ठीक है सर, को क्वेश्चन सर, हाँ पूछो। दिल्ली सल्तनत का सर पहला शासक कौन था सर? अच्छा, मोहम्मद गोरी का गुलाम था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, यही सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में शासन किया। ठीक है, जो कुतुब मीनार जो बना हुआ है, कुतुब मीनार जो बना हुआ है, ठीक है, इसी के नाम पे बना हुआ है। तो अभी दिल्ली सल्तनत जब पढ़ाएंगे तो सब चीज बता देंगे। ठीक ठीक ठीक, तो समझ में आया वास्तविक संस्थापक कौन था दिल्ली सल्तनत का? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक,
नहीं तो क्वेश्चन कल हम देखते हैं सर, इसीलिए पूछे। वो बात नहीं है, पूछ लिया मतलब किया। अभी दिल्ली सल्तनत तुम लोगों ने पढ़ा है, पढ़ा देंगे, ठीक है? ठीक। 12 बजे सर? हाँ 12 बजे क्लास होगा।